हेलो सर, मैं बस निकल ही रही हूँ, ऑलमोस्ट। टिकट्स का प्रिंट आउट निकाल लिया है। आई शुड बी लीविंग इन 5 मिनट्स। आई विल सी यू एट द एयरपोर्ट डायरेक्टली। या ओके सर। थैंक यू दिया मुझे मैं से माँ बनाने के लिए, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि मैं अच्छी माँ ही नहीं हूं। ये मैंने 6 महीने में ही ऑफिस क्यों ज्वाइन कर लिया? आज बुआ जी कह रही थी कि अगर मुझे संभालना ही नहीं था तो तुम्हें तुम्हें पैदा ही क्यों किया। मैं जानती हूं दिया कि मैं परफेक्ट माँ नहीं हूं। मेरा अभी तो फर्स्ट टाइम है ना दिया, और हम दोनों एक दूसरे को समझने की कोशिश भी कर रहे हैं। जैसे कि मुझे पता है दिया जब क्रैंकी होती है ना तो रोने से पहले ऐसे अपने आईब्रो सिकोड़ती है, और ऐसे ऐसे करने पर दिया हंसने लग जाती है। तुम्हें पता है दिया, मेरे जैसी इंट्रोवर्ट लड़की तुम्हारी एक स्माइल के लिए ऐसे घंटों तक बात करना सीख गई है, और जो लड़की 10 घंटे से पहले सोकर नहीं उठती थी अब देखो 4 घंटे सोकर भी खुश रहती है, और जो अपनी कार का इंश्योरेंस कराना भूल जाती थी उसने तुम्हारे लिए अपना टर्म इंश्योरेंस करा लिया है, वो भी बिना किसी के कहे। तो मैं 2 दिन तो क्या हमेशा के लिए भी चली जाऊं तो भी आई मेड श्योर कि तुम लाइफ में वो बनो जो बनना चाहो। दिया जब तुम बड़ी हो जाओगी ना तो तुम्हारी भी शादी होगी, तुम्हारे भी बच्चे होंगे, तो तुम भी उनसे स्ट्रांगली कह पाओगी कि मेरी मम्मी ने अपने ड्रीम्स को अपने करियर को कभी गिव अप नहीं किया, मैं भी नहीं करूंगी। तो बताओ मेरा ये डिसीजन कहीं ना कहीं तुम्हारी अपब्रिंगिंग का भी हिस्सा हुआ ना? लेकिन ये बात कोई नहीं समझता। रियली? कोई नहीं सिवाय तुम्हारे पापा के। चलो तुम्हारी कैब आ गई। अपने पापा का ख्याल रखना। हाँ जिंदगी तू है मेरी, मैं साया तेरा तू मेरी रोशनी, परछाई